जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेज जो कि हमारे नेशनल हैं और इंटरनेशनल भी, जून के महीने में जो आते हैं और जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं जून वर्ल्ड जो है वर्ल्ड मिल्क डे के मनाया जाता है बेटा। यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये चाहते थे कि मिल्क की इंपॉर्टेंस बढ़े और ऐसा बढ़े कि जो मिल्क है या मिल्क के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो जून वन को इन्होंने ऑब्जर्व करा कि इसे वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाएगा और 2001 से इसे रेगुलरली मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 2 जून, तेलंगाना फाउंडेशन डे। तेलंगाना फाउंडेशन डे बेसिकली 2 जून को होता है। इस दिन का तेलंगाना में एक हॉलीडे होता है। हॉलीडे इसलिए रखा जाता है कि पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तेलंगाना को अलग सा नहीं था, तो जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग स्टेट बनाने में, उनके इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए 2014 को बेटा ये हमारा तेलंगाना पहली बारी बना और 2 जून 2022 को ये 8वां इन्होंने अपना स्टेट फॉर्मेशन जो है सेलिब्रेट करा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चले। नेक्स्ट है 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन ने डिजाइन करा है इसको। साइकिलिंग के आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट है यार साइकिलिंग से। आजकल वैसे ही पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, जितना ज़्यादा आप साइकिलिंग करें उतना अच्छे, एक्सरसाइज भी हो पाती है आपकी, हेल्थ बेनिफिट भी रहते हैं, डाइजेशन भी होता है, रूटीन में वो भी होता है और एक बड़ा अच्छी सी एक्सरसाइज होती है। तो जितना ज़्यादा आप साइकिल पर चलाएं उतना ज़्यादा है, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में मनाने का कहा है। नेक्स्ट है 4 जून है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम फॉर एग्रेशन। बेटा यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, वो बहुत सारे बच्चों के, देखो बेटा आपको पता है कई तरह से अब्यूज होता है, फिजिकल अब्यूज होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, तो यूनाइटेड नेशन चाहता है कि बच्चों के साथ ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि बच्चों का माइंड बेटा बहुत चंचल होता है, बहुत यंग होता है, किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो उनके दिमाग में बड़ी इमेज रहती है और बचपन में कोई मेमोरी हमारी कंटिन्यूस चलती है। इसलिए 4 जून को यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम फॉर एग्रेशन मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरा 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखो यार बेटा जिस तरह के, देखो एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज हैं बहुत कम है, चाहे पेड़ पौधों की बात करो या किसी भी रिसोर्सेज की बात करो, तो वो चाहते हैं कि जिस तरह हम इस रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पता है एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है खत्म हो जाते। अगर मैं बात बताऊं कि जिस तरह से बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता जा रहा है बढ़ता है, तो 2030 तक ऐसा माना गया है कि हमारा टेम्परेचर 2.7 डिग्री, हमारी अर्थ का टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और सबसे पहले 1973 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। अच्छा मेरा 6 जून को मना होता है वर्ल्ड पेस्ट डे। वर्ल्ड पेस्ट मतलब बेटा छोटे छोटे कीड़े। इस देश को इसलिए मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि जो पेस्ट होते हैं हमारी क्रॉप्स को डिस्टर्बाइज करते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो 900 मिलियन इंसेक्ट टाइप माने जाते हैं जिनको पेस्ट माना जाता है। सबसे कॉमन पेस्ट है एंट बेटा। और केमिकली जो है किस तरह से पेस्ट को कंट्रोल करना है ताकि हमारी फसल का डैमेज ना हो, जून 6 को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड पेस्ट डे। 7 जून को हमारा बनाया था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये है कि जिस तरह का भी हमारा खाना खाता है ये अच्छा खाना हो, हेल्दी हो, डिसीज फ्री हो, उसमें जैसे बीमारियां ना हो, क्योंकि देखो अगर केमिकल्स वगैरह बहुत चीज़ें आ रही हैं, दवाइयां आ रही हैं, बीमारी आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्ट क्वालिटी डेड हो, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है कि खाने को किस तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं। 8 जून को हमारा बनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे जो कॉन्सेप्ट है 1992 में कनाडा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट ICOD ने बनाया था, और ये देखता है कि यार ओशन में किस तरह के हमारे, किस तरह हम ओशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से ओशन में होने वाले चेंजेस जो भी हैं, जो नेचुरल नहीं है, जो मैनमेड एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उनसे हम बचा सकते हैं। बेसिकली हमारे ओशन को किस तरह प्रोटेक्ट करा जाए, जो कि एक धरोहर होती है नेचर की, नेचर की हमारे पास जो होती है अमानत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 जून को अगेन सेम आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे बेटा, ट्यूमर में क्या होता है कि आपके मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं जो आपके सेल्स में होते हैं डिवाइड करना शुरू होते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर 2 तरह से होता है, एक होता है कैंसरस और एक नॉन कैंसरस होता है। ग्रे अवेयरनेस रिबन जो है इसका ऑफिशियली सिंबल है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का। तो 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 जून को हमारा एंटी चाइल्ड लेबर डे। देखो ये तो आपको पता ही है, चाहे इंडिया की बात करो चाहे बाहर कंट्रीज की बात करो, चाइल्ड लेबर हर जगह पे है ना। अब ये नहीं है कि हर बच्चा जो काम कर रहा है वो चाइल्ड लेबर का पार्ट है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फैक्ट्रीज में भी हैं,
चाइल्ड लेबर उसमें आएंगे कंडीशन जहाँ पे हैजार्डस का मतलब ये वहाँ पे देखो बेटा, जैसे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, माइनिंग में काम कर रहे हो, जहाँ पे बच्चों के कूड़े में काम कर रहे हैं बच्चे, जहाँ से उनकी हेल्थ जो है सफ़र कर सकती है मेंटल फिजिकल एंड सोशल, वहाँ पे हम चाइल्ड एंड चाइल्ड लेबर मानते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट है मेरा 13 जून है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, जो लेस डिसेबिलिटी है जिसके बारे में बहुत कम जानती है, एल्बिनिज्म एक नाम की बीमारी होती है बेटा, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी बॉडी में बहुत कम मेलानिन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ना आपकी आंखों कोई कलर होता है, ना स्किन का कलर होता है, ना आईज का कलर होता है, 1 लाख में से 1 बच्चे को होती है। तो इसलिए जून 13 को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 14 जून को है फ्लैग डे मनाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। इस दिन क्या होता है बेटा, जो सबसे पहले हमारे यूनाइटेड स्टेट्स का फ्लैग है वो अडॉप्ट हुआ था 14 जून 1777 में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के द्वारा, इसलिए ये यूनाइटेड स्टेट में से फ्लैग डे की तरह मनाया जाता है। अगेन 14 जून का वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है ना, ब्लड डोनर डे इसलिए कि जून 14 को लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो मॉडर्न ब्लड ट्रांसफ्यूजन के फादर थे। इवन जितने भी तुम ब्लड ग्रुप की बात करो उन्होंने डिस्कवरी है, तो उनके ऑनर में उनके सम्मान में 14 जून को हमारा वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 15 जून की बात करो, 15 जून को मारा जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज एवन डेज। 15 जून 2006 से इसको स्टार्ट किया गया। पर्पस क्या था कि जितने भी वर्ल्ड कम्युनिटीज हैं उनका ध्यान देना कि देखो जो वर्ल्ड एल्डर लोग बोले, जो जिन्हें बुजुर्ग कहते हैं हिंदी भाषा में, जिस तरह उनको नेगलेक्ट करा जाता है, आप देखो वृद्धाश्रम में बहुत सारे दिखते हैं बच्चों के द्वारा नेग्लिजेंट होता है, उनका ध्यान नहीं जाता, उनकी केयर नहीं होती, मेंटल फिजिकल सोशल हेल्थ जो होती है बहुत नेग्लेक्ट करा जाता है, इसको ध्यान में देते 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 16 जून है गुरु अर्जुन देव मार्टियर डे में। सिखों के बेटा 5th गुरु थे हमारे गुरु अर्जुन देव साहब, इनको क्या करता, कन्विक्ट टॉर्चर सेंटेंस करता मुगल एम्परर जहांगीर ने 16 जून 1606 में। हुआ क्या कि जहांगीर ने बोला कि आप हमारे धर्म का प्रचार करो, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मैं अपने धर्म का प्रचार करूंगा जो मेरा सिख धर्म है, और अपने गुरु नानक देव जो कि इनके सिखों के 1st गुरु हैं उन्हीं का मैं धर्म फैलाऊं। तो इसने क्या करा, इनको बर्निंग हॉट शीट में डाल दिया और हॉट सैंड इनके ऊपर डाल दी, उसी को याद में 16 जून को गुरु अर्जुन मार्टियर डे मनाया जाता है। 17 जून है मेरा वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हर साल 17 जून को इसलिए मनाया जाता है कि देखो डेजर्टिफिकेशन है, जो रेगिस्तान बनते जा रहे हैं, जगह जगह बंजर होती जा रही है, उस तरह किस तरह से वर्ल्ड में बेटा एनवायरनमेंट को हरा भरा करा जाए, किस तरह से डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम से निवे, सब की बात होती है हमारी 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। 18 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल पिकनिक डे। अब पिकनिक का जब भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आता है या नाम आता है तुम्हें लगता है बड़ा अच्छा सा है ना, तो ये अमेजिंग इजी स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए पिकनिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। भाई पिकनिक के लिए चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा बड़ा बजट नहीं जोते, एक अच्छा सा कूल सा एनवायरनमेंट, गुड वेदर और दोस्तों फैमिली के साथ टाइम बिताना ताकि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छा रहे और आपको अच्छा फील हो, बहुत बढ़िया लगे, इसलिए 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे के मना दें। नेक्स्ट है 19 जून है हैप्पी फादर डे, कल ही फादर डे गया भाई। फादर डे सेलिब्रेट किया था 3rd संडे ऑफ एवरी जून, इस बार 19 को पड़ा, वैसे 3rd संडे को पड़ेगा। देखो मदर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, माँ के बारे में बहुत बोला गया, हर चीज़ में सुना गया, फादर्स आर वेरी स्पेशल पार्ट, गाइडिंग लाइट से लेके आपको हर तरह से कंट्रोल करना, एक गार्जियन की तरह ना हमेशा सपोर्ट करना, डैड्स आर द पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, तो उसको उनको एक स्पेशल फील कराना, इसलिए 19 जून एक फादर को भी डेडिकेट करा गया फादर डे। 20 जून है भाई वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब एक रिफ्यूजी देखो एक शेल्टर के लिए आता है अपने कंट्री से छोड़ के, या कहीं से भी किसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो उनकी अवस्था को, उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो तकलीफें हैं, जो उनको वो शो करने के लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। 21 जून की बात करूं, 21 जून को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे। जितने भी म्यूजिक लवर हैं, वर्ल्ड म्यूजिक डे एक फेस्टिवल की तरह होता है। म्यूजिक डे सबसे पहले फ्रांस में मनाया गया और वहां पे इसे कहता है फेटे ले डे ला मूसिके, जिसका मतलब होता है फ्रांस में म्यूजिक से। 21 जून को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है मेरा 23 जून को मेरा इंटरनेशनल ओलंपिक डे और 23 जून को मेरा यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इस दिन में क्या, जितने भी हमारे ओलंपिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे मान लो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, रनिंग है, एक्सिबिशन है, म्यूजिक है, एजुकेशन होता है,
इस दिन को इसलिए मनाया ताकि एनकरेज करें हर तरह से कास्ट कलर क्रीड किसी भी तरह के लोगों को, ताकि एनकरेज उसमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट। सबसे पहले 1948 में इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया गया। मैं आपसे बात करूं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे को, तो जितने भी पब्लिक सर्विसेज के कॉन्ट्रीब्यूशन को कितनी इंपॉर्टेंस है पब्लिक सर्विटर की, उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए ये मनाया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ 26 जून की बात, 26 जून है मेरा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, जो भी ड्रग एब्यूज़, आपको पता है ड्रग्स से बेटा कितने लोग मरते रह जाना, और बड़ी नौजवान पीढ़ी जो हमारे ड्रग्स के दलदल में फंसी जा रही है, तो यूनाइटेड नेशन ने 7 दिसंबर 1987 को रिजोल्यूशन करा ताकि वो देखेंगे किस तरह से ये ड्रग्स ले रहे हैं, क्या इनका पैटर्न है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है उनको। ठीक है, 27 जून का मेरा है इंटरनेशनल एमएसएमई डे। एमएसएमई होता है बेटा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डे, और इनका रोल क्या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में, स्मॉल एंड मीडियम से एंट्रीज हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इन इंडस्ट्रीज की, तो 90% बिजनेस बना के देती हैं, 60-70% ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ग्लोबल जीडीपी का आधे से ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है मेरा 21 जून है मेरा नेशनल स्टैटिक्स डे। गवर्नमेंट ने फरवरी 27 को नेशनल स्टैटिक्स डे नहीं इसको 27 ये फरवरी नेक्स्ट है मेरा नेशनल स्टैटिक्स डे। गवर्नमेंट ने नेशनल स्टैटिक्स डे बनाया है ताकि जो जितने भी गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हैं वो इजिली पब्लिक से रीच हो जाए, वो समझ सके किस तरह से स्टैटिक्स हमारे हैं। 30 जून को मेरे दो आते हैं, एक तो वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे आता है और आता है फिलिपिन फ्रेंडशिप डे। वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे की बात करूं तो ये अवेयरनेस, इतने ऑस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉयड होते क्या हैं, छोटे छोटे बेटा रॉकी मिनरल्स होते हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। ये एस्ट्रॉयड की दूसरी डेफिनेशन है, एस्ट्रॉइड्स आर रॉक पीसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, है ना। और दूसरा हमारा फिलिपिन स्पेनिश फ्रेंडशिप डे, इसी दिन मनाया जाता है कि जो फ्रेंड फिलिपिन्स और फ्रेंडशिप उसकी स्पेनिश की दोस्ती है, इस पास एक बिल पास किया था जुलाई 22 2002 को, और ये डे को 5 फरवरी 2003 को अप्रूव किया जाता है कि ऐसा एक फिलिपिन फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप डे मनाया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे जून के महीने में कौन से नेशनल इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। फिर भी आपको आप डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपकी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में करेंगे इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।